एक बहन के पास भी पहुँचे हैं जिनके हाथ में जीने की राह की पुस्तक है, और हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है कि लोग इस पुस्तक को पढ़ें और ऑनलाइन इसको मंगाएं। आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है, तो बहन आप बता सकती हो इसका उद्देश्य क्या है? ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने कई गूढ़ रहस्य छुपा रखे हैं, जैसे कि जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी बिगड़ चुकी है, पबजी गेम्स फ़ोन में लगे रहते हैं, और जो अपनी माता पिता की बात नहीं मानते हैं, संस्कार नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक है, इसको पढ़ने से व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं, वह सत्कार करने लग जाता है माँ बाप का, और जाति धर्म मजहब नैतिक संस्कार आने लग जाते हैं उसके अंदर, और जो जात पात का भेदभाव होता है वो भी नहीं करता है। और इस पुस्तक के अंदर लिखी हुई जो बातें हैं उसे पढ़कर व्यक्ति के मस्तिष्क में ऐसी बातें आती हैं जिसे वो परिवर्तित करता है। इस पुस्तक में समाज सुधारक वाली बातें लिखी हुई हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधार कर रहे हैं, जैसे दहेज नहीं लेना चाहिए, लड़कियों की भ्रूण हत्या की जा रही है। इस पुस्तक में वो भी लिखा हुआ है कि लड़कियों को दहेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो अगर जो व्यक्ति अपनी लड़की की शादी कर रहा है तो वो आपको अपनी लड़की दे रहा है, तो इस वजह से दहेज नहीं लेना चाहिए, और शराब नहीं पीनी चाहिए, मांस मदरा नहीं खाना चाहिए, ये सब भी इस पुस्तक में लिखा हुआ है। जो व्यक्ति शराब पीकर अपने घर कलेश करता है, इस पुस्तक को पढ़ने से वो व्यक्ति भी परिवर्तित हो जाता है और संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेता है और फिर उनकी सद्भक्ति करता है। और इस पुस्तक में वेद द्वारा प्रमाणित सद्भक्ति भी दी गई है कि वेदों में क्या लिखा हुआ है, किसकी भक्ति करनी चाहिए और हम लोग क्या कर रहे हैं। वेदों में लिखा हुआ है कि कबीर साहब भगवान है, उन्होंने 6 दिनों में सृष्टि रची और 7वें दिन जाकर तक पर विराजे, और हम लोग किसकी भक्ति कर रहे हैं। गॉड ओनली इज वन। एक ऐसी पुस्तक जिसके पढ़ने मात्र से ही नशा त्यागने में असमर्थ व्यक्ति का नशा अपने आप छूट जाएगा। यह पुस्तक पढ़ने से आपके जीवन के दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। सब कहते हैं सबका मालिक एक है, वह सबका मालिक कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, यह जानने के लिए पढ़िए यह पुस्तक जीने की राह। इस पुस्तक को आप लोग फ़ोन में डाउनलोड कर भी पढ़ सकते हैं, और इस पुस्तक को आप ऑनलाइन भी घर मंगवा सकते हैं, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है और नीचे पट्टी भी चलती हैं, तो उन नंबरों पे कॉल करके भी आप इन पुस्तकों को मंगवा सकते हैं। और ये पुस्तक सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है, तो आप अपना एड्रेस ऑनलाइन भिजवा कर भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। धन्यवाद बहन, बहुत बहुत धन्यवाद।